जिस पल का सभी को इंतजार था वो पल आप देख पा रहे हैं, महाप्रभु जगन्नाथ जी के दर्शन, जो कि नंदीघोष रथ में सवार है। और यह आप देख रहे हैं नंदीघोष में सवार महाप्रभु जगन्नाथ जी के अद्भुत अलौकिक दिव्य दर्शन। पूरा वीडियो जरूर देखें ताकि आपको बहुत ही सुंदर दर्शन का लाभ हो। जय जगन्नाथ, हरे कृष्णा। मेरा नाम है चंद्रशेखर, आप देख रहे हैं ट्रेवल संसार यूट्यूब चैनल। और महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ हमारे समक्ष ये आप देख रहे हैं मंदिर प्रांगण से अब 500 मीटर की दूरी पर आ चुका है और लगभग 6 बजे ये रथ यहाँ पर पहुँचा है और बहुत ही भारी विशाल जनसैलाब यहाँ पर है और भक्तों का ऐसा प्रेम, ऐसा प्यार महाप्रभु जगन्नाथ जी के लिए अगर देखने के लिए आपको मिलता है तो आप जगन्नाथपुरी में कभी रथ यात्रा में जरूर आए। ये एक ऐसी रथ यात्रा होती है जो कि बहुत ही विशाल पर्व होता है, जिसमें कहा जाता है जगन्नाथ की भात और जगत पसारे हाथ, ये कहावत यहाँ पर कही जाती है। और बहुत ही प्रसिद्ध जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा के दर्शन आप सभी कर पा रहे हैं। जय जगन्नाथ, आइए पूरा दर्शन हम करते हैं। और ये भीड़ और ये दीवानगी का अंदाजा लगाने के बाद आप समझ ही गए होंगे अब जो रथ आने वाला है और उस रथ पे विराजमान होकर महाप्रभु जगन्नाथ जी हम सभी को दर्शन देने के लिए अपने मंदिर से बाहर इस रथ यात्रा के माध्यम से अपने सभी भक्तों को दर्शन देने के लिए आ रहे हैं। और आपने कहावत सुनी होगी जगन्नाथ की भात और जगत पसारे हाथ, तो ये उसका नजारा आप देख सकते हैं, पूरा जगत खड़ा है महाप्रभु जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए। महाप्रभु जगन्नाथ जी के रथ का स्वागत हो चुका है और मंदिर से संध्या काल में शाम को 6 बजे आप दिव्य दर्शन कर रहे हैं महाप्रभु जगन्नाथ जी के रथ के, जिसके अंदर विराजमान है महाप्रभु जगन्नाथ जी और अपने मंदिर से बाहर निकलकर भक्तों को दर्शन देने के लिए आ रहे हैं। और ये बहुत ही दिव्य दर्शन आप और हम सभी देख पा रहे हैं महाप्रभु जगन्नाथ जी के लिए। ऐसी दीवानगी, ये भीड़, ये लोगों के मन में प्रेम, ये उत्साह, बहुत ही शानदार नजारा और कड़ी सुरक्षा के बीच में आप देख पा रहे हैं महाप्रभु जगन्नाथ जी का ये रथ हमारे सभी के सामने आ रहा है। हरे कृष्णा हरे रामा, जय जगन्नाथ। ये है जगन्नाथपुरी में होने वाली दुर्लभ, दिव्य, अलौकिक, अद्भुत महाप्रभु जगन्नाथ जी के धाम जगन्नाथपुरी से निकलने वाली रथ यात्रा, जिसके दर्शन आप सभी कर पा रहे हैं और बड़े ही सुरक्षा के बीच में जगन्नाथ जी महाप्रभु का ये रथ हम सभी के समीप में। लाखों की संख्या में भक्त श्रद्धालु जो अपने भगवान को देखने के लिए आए हैं, महाप्रभु जगन्नाथ जी को दर्शन के लिए आए हैं और महाप्रभु जगन्नाथ जी सभी श्रद्धालुओं को दर्शन देते हुए यहाँ पर। आप देख रहे हैं यहाँ पर रस्सी जो थी वो सेंटर में नहीं थी तो उसको सेंटर में किया अभी, और क्योंकि बीचों बीच रथ चलना बहुत जरूरी है। भारत की उड़ीसा राज्य में होने वाली महाप्रभु जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के विशाल दर्शन, भव्य दर्शन। और ये है नंदीघोष रथ जिसमें महाप्रभु जगन्नाथ जी विराजमान है और अपने सभी भक्तों को दर्शन देने के लिए नगर भ्रमण के लिए निकले हैं और अपनी मौसी पुनिजा जी के मंदिर जा रहे हैं। बहुत ही बड़ा उत्सव है जिसमें लाखों की संख्या में लोग यहां पर आते हैं
और यही जगन्नाथ जी रथ के द्वारा, इसी रथ के द्वारा वहां पे जब गुंडिचा मंदिर में यह त्यौहार पूर्ण हो जाएगा तो 7 दिन बाद फिर वापस आकर मंदिर में विराजमान होंगे। वहां आप देख रहे हैं रस्सी को छोटा किया गया है क्योंकि बहुत ज्यादा लोग रस्सी पकड़ने के लिए आ रहे हैं और शायद रस्सी टूटी है या उसको छोटा किया गया है, दोनों में से कोई एक चीज है। रस्सी छोटी की गई है क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा हो गई है और भीड़ कंट्रोल नहीं हो रही है, लोग रस्सी जो है वो जगन्नाथ जी के रथ की खींचने के लिए बहुत ही बेताब हुए जा रहे हैं। और ये आप देख रहे हैं जगन्नाथ जी का रथ है जो कि पूरी तरीके से पुलिस और आर्मी की सिक्योरिटी के बीचों बीच रहता है क्योंकि अगर बीच में कोई भी चला जाता है तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, अगर अचानक बीच में कोई चला जाए तो बहुत ज्यादा समस्या हो जाती है। इसी वजह से पूरी तरीके से सुरक्षा बलों के बीच में महाप्रभु जगन्नाथ जी का ये रथ जिसमें विराजमान है महाप्रभु जगन्नाथ जी। और ये आप देख रहे हैं यहाँ पर रास्ता बनाया गया है, अब इसके बाद में जगन्नाथ जी के रथ को आगे बढ़ाने की प्रोसेस चालू की जाएगी, आगे बढ़ाया जाएगा, खींचा जाएगा और बहुत ही भारी पुलिस बल तैनात यहाँ पर और बहुत भारी संख्या में भक्तों की भीड़। और लेकिन महाप्रभु जगन्नाथ जी के रथ के लिए भक्तों की ऐसी दीवानगी, भक्तों का ऐसा जोश, भक्तों का ऐसा उत्साह आपने नहीं देखा होगा। और यही जो उत्साह है, यही जो नजारा है, यही जो भक्ति है वो केवल यही इसी जगन्नाथपुरी धाम में देखने के लिए मिलती है। आप सोच के देखिए बहुत ही जोखिम भरा कार्य है उस रस्सी तक जाना और वहां से रस्सी को खींचकर आगे बढ़ाना क्योंकि बहुत फोर्स होता है जब रथ आगे बढ़ाया जाता है, जब रथ को खींचा जाता है तो बहुत ज्यादा फोर्स होता है उसमें, आपको बहुत स्टेबल रहकर रस्सी को पकड़ना होता है अन्यथा आप एकदम से रस्सी के नीचे आ जाते हैं और गिरने का डर भी बहुत ही ज्यादा बना रहता है। और यहाँ पर लगभग पिछले 15 मिनट से रथ यहीं पर ऐसा खड़ा हुआ है और क्या कारण है आगे नहीं बढ़ने का किसी को नहीं पता, क्योंकि जगन्नाथ जी की इच्छा होगी तो रथ आगे बढ़ेगा, जैसे कि उड़ीसा में कहावत है महाप्रभु जगन्नाथ जी जैसा चाहते हैं वैसा ही होता है, रथ को जब आगे बढ़ना होता है तभी रथ आगे बढ़ता है। और ये आप देख रहे हैं यहाँ पर घड़ियाल घंटों का नाद होने लगा है, घंटों की आवाज सुनाई देने लगी है और महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ, महाप्रभु जी जिसमें विराजमान है आगे की ओर बढ़ता हुआ हम सभी उसके दर्शन कर पा रहे हैं। दिव्य, अद्भुत, अलौकिक और बहुत ही गजब का ये नजारा। आर्मी फोर्सेस, ओडिशा की फोर्सेस, उसके बाद में पुलिस के जवान और उसके बाद में मंदिर के पुजारी, मंदिर के सदस्य और लाखों की संख्या में पधारे हुए भक्तगण जो अपने भगवान के दर्शन के लिए यहाँ पर पधारे हैं और ये अद्भुत नजारा हम भी इसके सौभाग्यशाली है कि इसके हम साक्षी बन रहे हैं। और ये आगे देख रहे हैं आप आगे कितनी भीड़ है। जगन्नाथपुरी धाम में होने वाली रथ यात्रा के दर्शन अभी हमने करे और बलभद्र जी के रथ के बाद में सुभद्रा जी विराजमान होकर रथ में गए और उसके बाद में नंदी घोष में विराजमान ये आप देख पा रहे हैं महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ। और ऐसी ही अपडेट्स के लिए, ऐसी ही जानकारी के लिए, ट्रैवल से जुड़े वीडियोस देखने के लिए मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अधिक से अधिक लोगों को यह वीडियो आप शेयर जरूर करें ताकि ऐसे दिव्य अलौकिक दर्शन सभी लोगों को हो सके और सभी लोग महाप्रभु जगन्नाथ जी की इस रथ यात्रा का, विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा का दर्शन कर पाए क्योंकि इसके दर्शन से ही पुण्य लाभ की प्राप्ति होती है और यह बहुत ही दिव्य दर्शन आप सभी लोगों को अवश्य कराएं। जय श्री जगन्नाथ, हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ, जय बलभद्र, जय सुभद्रा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे ही वीडियो देखते रहे। जय महाकाल, हर हर महादेव।